नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज मैं विंटर के एक ऐसी प्लांट के बारे में चर्चा करूंगा जिसे ज़्यादा केयर की आवश्यकता नहीं होती और आप इसे कोई भी मिट्टी में लगा दें, ये आसानी से ग्रो होने वाला इजी टू मेंटेन प्लांट है। और एक वैरायटी इसकी ऐसी रहती है जो ये पेरिनियल कहलाती है, मतलब कि साल भर ये टिक जाएगी, बशर्ते उसे गर्मी में थोड़ी सी केयर करें और थोड़े से शेडी एरिया में रख दे। दोस्तों आज हम बात करेंगे गजरनिया की, इसे कैसी मिट्टी चाहिए, कैसे हमें रिपोर्ट करना चाहिए। तो अब मूलतः ये अफ्रीका देश का एक प्लांट है, हार्डी प्लांट है और ये कोई भी मिट्टी में आसानी से ग्रो हो जाता है। तो सॉइल की सबसे पहले बात करें तो इसे सैंडी सॉइल पोरस युक्त मिट्टी काफ़ी पसंद है और ये ज़्यादा खाद नहीं मांगता, लेकिन आप पोटाश आप इसमें डालेंगे तो फ्लोरिंग भी अच्छी करती है। मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डालेंगे तो फ्लोरिंग करेगी, काउ डंग डालेंगे, वर्मी कंपोस्ट डालेंगे, किचन वेस्ट डालेंगे, फिर भी ये फ्लोरिंग अच्छी से करती है, लेकिन ये ज़्यादा खाद पानी नहीं मांगता है, यही इसकी अच्छी बात है। और एक वेराइटी ये देख रहे हैं, ये मेरा हेल्दी प्लांट है। और इधर वाला प्लांट आप देख रहे हैं, इसके पत्ते थोड़ा सा ज़मीन में सट गए, वजह ये है कि रिपोर्टिंग करते समय इसकी कुछ जड़ टूट गई थी। तो दोस्तों हमें ये बात ध्यान रखना चाहिए और रिपोर्टिंग करते समय जो हम पॉली बैग में रहते हैं उसे हमें अच्छी से वाटरिंग कर देना चाहिए, मतलब उसे पूरी तरह से मिट्टी गीली कर देना चाहिए, उसके बाद ही हमें रिपोर्ट करना चाहिए। और अनचाह मिट्टी को हटा दें अगर वो ज़्यादा क्ले युक्त मिट्टी है, और मिट्टी अच्छा बनाइए पोरस युक्त ताकि जड़ों का विकास अच्छा से होने पाए। और पानी जब भी आप डालें, जब ऊपरी लेयर मिट्टी की ड्राई हो जाए और तब इसे हल्की सी वाटरिंग कर दें। और फर्टिलाइज़र में आप रिपोर्ट करने के 10 से 12 दिन के बाद जब भी प्लांट ग्रोथ पकड़ लें तो आप मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दें, तो ये उसी में अच्छी फ्लोरिंग करते हैं। और ये वाला वैरायटी आप देख रहे हैं जिसके पत्ते लंबे होते हैं, ये पेरेनियल है और ये सालों भर आप रह सकते हैं आपके गार्डन में। तो और जिसके पत्ते डिज़ाइनदार थे वो सीजनल प्लांट कहलाते हैं। ये देखिए ये भी थोड़ा अनहेल्दी हो गया, शायद मैं रिपोर्टिंग करते समय इसकी कुछ जड़ टूट गई थी। तो दोस्तों यही बात ध्यान रखना चाहिए क्योंकि 2-3-4 महीने ही इसकी फ्लॉरिंग के टाइम रहते हैं और गर्मी में ये बंद कर देते हैं मार्च के बाद, तो क्योंकि इसमें जा सारा एनर्जी ये अभी अपनी जड़ें बनाने और प्लांट की ग्रोथ में ही लगा देगा, तो ऐसे में इसके बहुत दिन वेस्ट हो जाएंगे, फ्लावरिंग नहीं आएगी तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। तो दोस्तों यही बात आप भी ध्यान रखिएगा और रिपोर्ट करते समय ध्यान रखिएगा। और देखिए हेल्दी प्लांट के पत्ते इसी तरह खड़े खड़े और सुंदर दिखते हैं और अनहेल्दी प्लांट के पत्ते इस तरह ज़मीन से सटे हुए रहते हैं, क्योंकि इसमें भी फ्लावरिंग बर्ड्स बन चुके हैं, लेकिन मैं हेल्दी नहीं कहूँगा। और हेल्दी प्लांट के पत्ते आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा हार्डी होंगे क्योंकि ये हार्डी प्लांट है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में।